हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि अभी तक 3.1 का अपडेट आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इवन अगर आपको केआर वर्जन भी डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम में ऑलरेडी सेटअप अपलोड है, केआर वर्जन एंड ग्लोबल वर्जन आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो उधर जाके, ठीक है। तो अभी फाइनली बोल सकते हो पबजी मोबाइल 3.1 का पहला मेन इवेंट आ चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले पूरा डिटेल में। तो इधर आप देख पा रहे गोल्डन मून क्लाउड मार्केट नाम का इवेंट आपको देखने को मिल रहा है। गोल्डन मून इवेंट ग्लोरी रीडी ऑसम रिवॉर्ड, और ये इवेंट का टाइम पीरियड पे ध्यान देना, 13 मार्च से लेके 10 मई तक ये इवेंट चलेगा, 2 महीना से भी ऊपर ये इवेंट है। और ये 2 महीना का इवेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड्स है और उसके साथ साथ ये इवेंट के अंदर ढेर सारा और भी मल्टीपल इवेंट्स अवेलेबल है, जिसके चलते ये आपको टोटल इतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन का आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो, इसमें हम लोग डायरेक्टली भी गो में क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको काट सकते हो। तो वो इवेंट देखने के पहले आप देख पाए मेल बॉक्स में हम लोग का ये चीज़ आ चुका है, इसको हम क्लेम कर लेते हैं। और इस बार लॉबी भी हम लोग को दे दिया गया है, कुछ दिन के लिए सही बट अच्छा लग रहा है, लॉबी हम लोग को दिया गया, काफ़ी बेहतरीन ये लॉबी हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो हम लोग इवेंट में क्लिक करते हैं। तो हम लोग इवेंट में क्लिक करते हैं, देखो गोल्डन मून क्लाउड मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, गो में क्लिक करते हैं। टाइम पीरियड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चलो एक एक कहकर समझते थे। ये जो सीप आप देख पा रहे, इसमें भर भर के स्टॉल आपको दिखाई दे रहा, तो पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो अभी देख पा रहे हो करेंटली हम लोग चैप्टर 1 चल रहा था। चैप्टर 1 में इतना सारा इवेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। चैप्टर 2 के अंदर काफी सारा इवेंट है, तो ये 2 महीने का इवेंट है ना, इसके लिए आपको इसके अंदर ढेर सारा चैप्टर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग एक एक करके सब इवेंट को देखें, मैं आपको बाहर का बेसिक चीजें समझा देता हूँ, सो डेट आपको मेन कॉन्सेप्ट आपको ये इवेंट का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख पाए, सबसे पहले तो आप देख पाए तो स्टार्टिंग में आपको ये लैम्प दिखाई दे रहा। तो एक्चुअली जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे डेली बेसिस में, तो आपको ये लैम्प को एक बार क्लिक करने का मौका मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 5 टोकन मिल जाएगा, और ये टोकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये टोकन आपको जगह जगह मिलेगा, इवन अगर आप गेम के अंदर भी जाओगे ना, तो आप नॉर्मल मैचेस खेलोगे, जब आप क्रेट ओपन करोगे न्यू थीम मोड में, तो रैंडमली आपको ये टोकन मिलते जाएगा। और टोटल आप एक मैच में 15 टोकन आप ले सकते हैं। इधर आप देख पर इसमें लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, यू कैन ऑल्सो गेट अप टू 50 पैराडाइज टोकन बाई पार्टिसिपेट इन मैच। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि 15 टोकन आपको मैच से भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिशन से मिलेगा, उधर से भी टोकन मिलेगा। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा टोकन अर्न करोगे, उतना ज्यादा आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख पर मिशन रिवॉर्ड सबसे पहले आपको देखने को मेरे हिसाब में क्लिक करते। अब आपको पता है कि ये जो इवेंट है 2 महीने चलने वाला है या 2 महीने से ऊपर चलने वाला है। ये जो 2 महीने का टाइम इंटरवल है ना, इसके अंदर आप गेम के अंदर जितना भी यूसेज स्पेंड करोगे, जी हाँ जितना भी यूसेज स्पेंड करोगे इसमें कैलकुलेट होगा। और टोटल 2 महीना के अंदर अगर आप 12,000 यूसेज स्पेंड कर दे, तो अब देखो ये इसमें बोला नहीं गया है कि आपको केवल इसमें ही स्पेंड करना, जी नहीं, गेम के अंदर आप कोई भी जगह स्पेंड कर सकते हो। और सबसे अच्छा बात है A6 रॉयल पास आ रहा है, ठीक है। A6 रॉयल पास में हम लोग का RP एक्टिविटी पैक आएगा, तो RP एक्टिविटी पैक को पहले दिन से आप सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दोगे 1,000 तो 10 आप कर सकते हो। उसका थोड़ा सा आप इधर उधर खर्चा कर दोगे तो 12,000 आप कर सकते हो 2 महीने के अंदर। तो जैसे ही आप 12,000 स्पेंड कर दोगे 2 महीने के अंदर, तो आपको ये अल्टीमेट एनिमेटेड वाला फ्रेम मिल जाएगा, जो कि जीन वाला आपको देखने को मिल रहा, और ये आप इक्विप कर सकते हो, काफी बेहतरीन लग रहा, और इसको आप कलेक्ट कर सकते हो अगर आप 12,000 यूसी इसमें स्पेंड कर देते हो ये पूरा 2 महीने का इंटरवल में, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है मेन इवेंट, जितना भी आपको टोकन्स मिलेगा, तो ये टोकन्स का यूज करके आप इधर से सामान ले सकते हो। सबसे पहले आप देखो 1200 टोकन में आप ये ला आउटफिट ले सकते हो परमानेंट, और ये काफ़ी अच्छा आउटफिट लग रहा है, ये आप परमानेंट ले सकते हो। उसका 300 टोकन से आप ये वाला CD ले सकते हो, जो कि आप लॉबी में बजा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख पाए एक टाइटल मिल जाएगा, गुड डिड अचीव नाम का, ये आपको मिल जाएगा 30 दिन के लिए, इसको आप ले सकते हो 2000 कॉइन में। टाइम लिमिटेड टाइटल लेकर करोगे क्या, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप डेफिनेटली इसको ले लेना। उसके बाद आप 200 कॉइन से आप ये लॉबी निकाल सकते हो। लॉबी में आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे आप निकाल सकते हो वो वाला इवेंट शॉप से। उसके साथ आप देख पर 200 कॉइन से आप एक बार इसको रिडीम कर सकते हो। उसके बाद आप ये पॉपुलैरिटी को रिडीम कर सकते हो 20 कॉइन में, टोटल आप 5 बार इसको रिडीम कर पाओगे। और ये पॉपुलैरिटी किसी भी दोस्त को अगर आप दोगे तो 400 बढ़ने वाला है। तो अभी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप अपना पॉपुलैरिटी का फायदा निकाल सकते हो। अगर आप किसी को पॉपुलैरिटी दे रहे हो और आप चाहते हो कि एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट का पॉपुलैरिटी चाहिए, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ कि कैसे आपको अब पॉपुलैरिटी बैटल में खेलना है। पहले जैसे खेलते थे वो गलत वे है, अभी जो तरीका मैं दिखाया ये वीडियो में डेफिनेटली चेकआउट करना कि आप कैसे आप बेनिफिट रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप देख पाए ये अवतार को आप परमानेंट ले सकते हो, जो कि आप 300 कॉइन में ले पाओगे, ये परमानेंट मिल जाएगा, ये टाइम लिमिटेड नहीं है। उसके बाद आप देख पाए ग्राफिटी को आप ले सकते हो 10 बार 5 कॉइन से। उसके बाद वापस एक और ग्राफिटी है, क्लासिक स्क्रैप आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप देख पा सप्लाई स्क्रैप। उसके बाद आप देख पा A6 रॉयल पास का 30 यूसी वाउचर आप ले सकते हो। तो अगर आप 360 यूसी वाला रॉयल पास परचेस करते हो ना, तो अगर आपके पास 60 यूसी वाउचर नहीं है, तो आप इसको एक रिडीम कर सकते हो। एक बार रिडीम करोगे तो आपको
जैसे 360 यूसी लगता था ना, अब 330 यूसी में रॉयल पास परचेस कर सकते हो क्योंकि आपका वाउचर यूज है। तो ये काफी अच्छा ऑफर है, तो डेफिनेटली इसको मिस मत करना। अगर आपके पास कोई भी वाउचर नहीं है तो इसको रिडीम कर लेना रॉयल पास आने का पहले। और 30 पॉइंट मुझे लगता है अभी कुछ देर में ही आप कर लिए होंगे, ज्यादा टाइम लगता नहीं है चीज करने के लिए, क्योंकि हर एक मैच में 15-15 कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका हम लोग का एक अल्टीमेट स्पिन आने वाला, उसका भी कूपन आप निकाल सकते हो। ये टोटल 5 बार निकाल पाओगे। एक कंपेनियन इवेंट आने वाला होला बडी का, उसमें भी आप ये वाउचर को निकाल सकते हो 10 यूसी वाला। और एजी करेंसी, जी हाँ, ये एजी करेंसी मिस मत करना। और टोटल आप इधर से 300 एजी करेंसी निकाल सकते हो, 300 एजी करेंसी आपको इजीली मिल जाएगा। और ये एजी करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बीपी कॉइन निकाल सकते हो। तो ये था मेन शॉप, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अभी जितना भी इवेंट मैं अभी दिखाने वाला हूँ ना, सबका मेन मोटिव है कि ये कॉइन आपको देना, और ये कॉइन जैसे मिलता जाएगा इधर से आप सामान रिडीम करते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही समझा दिया, सो दैट आपको इजीली समझने में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले अभी एक एक करके स्टॉल देखते हैं। सबसे पहला जो स्टॉल आप देख पा लकी बॉक्स, जो कि कल आने वाला है, तो कल हम लोग वीडियो बनाएंगे। सेकंड जो इवेंट आप देख पा ट्रेजर वाला, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये खुला हुआ आज ही आ चुका है। तो इसमें भी देख पा रहे हो जैसे जैसे मिशन कंप्लीट करते जाओगे, जैसे आप देख पा रहे हो डेली मिशन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो न्यू मोड आया है वो अगर आप खेलोगे एक बार तो आपको ये कॉइन मिलेगा और पॉपुलरिटी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये क्या है, एक ग्राफिटी हम लोग को मिला, ये टोकन मिला। ये टोकन का मैं आपको ऑलरेडी यूज बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही आपको टोकन एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ यूज होने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2 मैच कंप्लीट करोगे तो आपको और टोकन मिलेगा, 3 मैच कंप्लीट करोगे तो और मिलेगा, 4 मैच कंप्लीट करोगे स्पेशल मोड में तो और भी आपको टोकन मिलेगा। उसके बाद वीकली बेसिस में भी इवेंट है, लाइक रॉयल पास। तो वीक 1 का आप मिशन देख पा रहे हो, इधर आपको कुछ मिशन मिला है तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद मैं अचीवमेंट वाला वीडियो डालूंगा, तो मैं अचीवमेंट वाला वीडियो भी ऑलरेडी गेम प्ले कर चुका हूँ, एक ही मैच में मैं अचीवमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आ जाएगा इसके बाद। तो इसलिए मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो वापस हम लोग कॉइन मिला, तो कॉइन भर भर के आपको मिलेगा और मैच के अंदर ही मिलेगा। अभी वीक 2, वीक 3, वीक 4 तभी खुला नहीं है, तो जैसे जैसे वीक पार होगा तो उस हिसाब से आपको वीक खुलते जाएगा। पर अभी हम लोग का 3 पॉइंट हुआ, जैसे हम लोग और 2 पॉइंट करेंगे तो 5 पॉइंट में हम लोग को ये ग्राफिटी मिल जाएगा, उसका 10 पॉइंट में हम लोग को ये वापस से कॉइन मिल जाएगा। ये कॉइन का यूज मैं बता चुका हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप देखो टोटल 90 अगर आप पॉइंट कर दो तो आपको इधर पॉइंट्स मिलते रहेगा, और 70 पॉइंट में आपको ये वाला आउटफिट मिल जाएगा, ये टाइम लिमिटेड वाला, और इसका परमानेंट आप वो कॉइन से रिडीम कर सकते हो जो कि मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, और इधर लिखा हुआ गो टू द अनदर इवेंट टू रिडीम आउटफिट, तो वो वाला मैं दिखा दिया, ये जगह मैं 1200 कॉइन में निकाल सकते हो, वही बता रहा है लोग। उसके बाद आप देखो पॉपुलरिटी बैटल कल से स्टार्ट होने वाला, इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद आप देख पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 18 तारीख को आएगा, उस दिन कवर कर लेंगे। और उसके बाद आप देख पर 5 तारीख को, मतलब 5 अप्रैल को एक और इवेंट देखने को मिलेगा, स्काई हाई वेंचर। और उसके बाद आप देखो उसी दिन 5 तारीख को एक और इवेंट आपको देखने को मिल रहा है यूसी वाला, ये हम लोग देख लेंगे। तो अभी करेंटली केवल आज के दिन एक ही इवेंट स्टार्ट हुआ है, और टाइम टू टाइम इसमें और भी इवेंट आएगा। जैसे जैसे पूरा इवेंट खत्म होता जाएगा, एक चैप्टर खत्म फिर दूसरा चैप्टर में और इवेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इवेंट का चैप्टर खत्म होगा मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हर एक इवेंट का अलग वीडियो रहेगा, इवन हर एक चैप्टर का अलग वीडियो होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, इवेंट का वीडियो चाहिए ना जिससे आप जल्दी जल्दी सब कुछ अर्न कर पाओ, सब में ट्रिक्स मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इतना रखते वीडियो को, इसके बाद अचीवमेंट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।